इसकी जो प्राइस है वो है 5 यूरोस। Hello everyone, welcome back to the new vlog. I hope everyone is doing absolutely fine. I'm Suraj and you are watching the Jaxa Vlogs. आज का व्लॉग किस बारे में? आज हम लोग जा रहे हैं प्रीमार्क. प्रीमार्क क्या है ये आपको आगे आने वाले में, मतलब जो भी आप आगे देखेंगे वो पता चल जाएगा. एनीवेज, प्रीमार्क के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि प्रीमार्क क्लोथिंग मार्केट है. ज़्यादातर लड़कियों वगैरह के लिए शॉपिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ. अभी निकलने से पहले एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग इंडिया से भर भर के कपड़े जो लेके आते हैं वो नहीं लाना है, क्योंकि मैं प्रीमार्क जो आपको मैंने बताया वो इसी शॉप पे हम लोग जा रहे हैं. वहाँ प्रीमार्क भी है, न्यूयॉर्कर भी है. ये दो शॉप्स ऐसी है जहाँ पर आपको इंडिया जैसे ही प्राइस पर बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे. अगर मुझे कुछ अच्छा लगेगा तो मैं लेके आऊँगा. हम लोग गर्ल्स सेक्शन में भी जाएंगे, वहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे पर्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो हम वहाँ जाएंगे और जाने के बाद वहाँ आपको मैं सब दिखा दूँगा कि क्या प्राइस है उसकी और महंगा है सस्ता है वो आप खुद डिसाइड कर लेना, क्योंकि किसी के लिए महंगा कुछ ज़्यादा महंगा होता है, किसी के लिए सस्ता कुछ ज़्यादा सस्ता होता है. ठीक है, तो बने रहो. तो मुझे भी काफ़ी सारी चीज़ें परचेस करनी थी और सोचा कि काफ़ी दिन हो गए शॉपिंग के लिए मैं गया नहीं हूँ, लगभग 2 साल से. तो हमने सोचा कि हम भी वहाँ जाकर थोड़ा बहुत देख लेंगे, कुछ पसंद आया तो ले लेंगे. और यहाँ से लगभग आधे घंटे का रास्ता है जहाँ मैं रहता हूँ, और मैंने सोचा आज फ्री था तो लेट्स मेक अ वीडियो ऑन प्रीमार्क, ताकि अगर यहाँ कोई आता है पता चलता है डायरेक्टली, ऑनलाइन महंगी महंगी चीज़ें ना ऑर्डर करें. इंस्टेड ऑफ दैट गुड क्वालिटी में आप वहाँ भी जा सकते हो, वहाँ भी काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं. तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप प्रीमार्क जाएं, नहीं तो ज़ारा वगैरह पे भी काफ़ी सस्ता मिलता है, बट प्रीमार्क पे उससे ज़्यादा अच्छा सस्ता और टिकाऊ मिलता है. तो हम पहुंच गए हैं बिल स्ट्रीट. और बिल स्ट्रीट क्या है ये आप पीछे देखिए, मॉल टाइप है बहुत बड़ा. ये डायरेक्ट पीछे ऊबान है, ये स्टेशन वगैरह है, यहाँ बस स्टॉप है और बस स्टॉप के साथ ऊबान भी है, ऊबान अंडरग्राउंड बान जिसको बोलते हैं. तो मेट्रो से मैं डायरेक्ट यहाँ पर आया था और यहाँ पर पीछे बिल स्ट्रीट सेंटर है. ये जो है हामबुर्ग नॉर्थ की साइड है शायद, और अगर आपको आना हो तो यहाँ पर शॉपिंग के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल है. और फिलहाल अगर आपको दिख रहा हो तो ये प्रीमार्क भी इसके अंदर है, रेवे भी इसके अंदर है. तो आई एम स्टैंडिंग जस्ट आउटसाइड द प्रीमार्क और हम अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है अंदर. ओके, तो जो ऊपर वाला सेक्शन था वो पूरा लड़कियों के लिए था और हम जा रहे हैं नीचे वाला सेक्शन में, क्योंकि हमें बॉयज सेक्शन में जाना है. तो ये वीडियो में स्टोर में जितना भी सेक्शंस थे, जितने भी सेक्शन थे वो सारे मैंने दिखा दिए हैं. टैक्स भी आपको साथ में दिखाऊंगा ताकि आपको पता चल जाए कितने यूरो का. जैसे कि यहाँ पे 18 यूरो का ये पेयर ऑफ शूज़ है, फिर कैप्स लगी हुई है, 3 से 5 यूरो के आसपास कैप थी, मतलब कि 150 रुपये की या फिर 150 रुपये के आसपास या फिर 200-250 रुपये के आसपास. फिर उसके बाद ये हुडीज़ काफ़ी अच्छे अच्छे थे वहाँ पर. और उसके अलावा जो आपका स्वेट शर्ट्स आते हैं उनके प्राइस भी 16 यूरो मतलब 1200 रुपये के आसपास. उसके बाद सबसे बेहतरीन चीज़ सिर्फ 10 यूरो के अंदर आपको स्नीकर मिल रहे थे. 10 यूरो इज अराउंड 800 रुपये के आसपास. पेयर ऑफ सॉक्स 7 यूरो में. उसके बाद यहाँ पर जो थर्मल वेयर है वो पूरा का पूरा पेयर था, और थर्मल यूरो की इसकी जो प्राइस थी वो भी ज़्यादा कुछ प्राइस 4 या 5 यूरो के आसपास थी. उसके बाद स्वेट शर्ट्स का इनके पास कलेक्शन बहुत अच्छा था, अलग अलग कलर्स में थे. मोस्टली स्वेट शर्ट्स जो अवेलेबल थे वो 10 यूरो के आसपास थे. 10 यूरो मतलब सिर्फ 800 रुपये में ये सारे स्वेट शर्ट्स अवेलेबल थे वहाँ पर. अलग अलग काफ़ी वेराइटीज़ थी स्वेट शर्ट्स में.
अभी आगे आप जब देखोगे तो स्नीकर्स और भी 5-5 यूरो के स्नीकर्स भी मैंने देखे हैं, तो 5 यूरो मतलब कि 400 रुपए के आसपास। जैसे ये सेक्शंस में सारा माल 5 यूरो का था। 5 यूरो मतलब आपको ये स्वेटशर्ट देख रहे हैं, ये भी 5 यूरो के आसपास का, मतलब सिर्फ 400 रुपए में ये स्वेटशर्ट अगर आप यहाँ देखते हैं। तो जैसे ये स्नीकर में बात कर रहा था, ये स्नीकर की प्राइस सिर्फ 4 यूरो थी, मतलब कि 350 के आसपास। ये सारे स्नीकर्स जो वो निकालना होता उनको माल, वो वाला सारा ही रखा हुआ था, ये सिर्फ 5 यूरो का था। ये भी मेरे ख्याल से सिर्फ 5 यूरो का ही था, क्योंकि ये 5 यूरो वाला सेक्शन में ही लगा था। वापस जब हम हुडी पे आते हैं, थोड़ी और जो और ज़्यादा अच्छे हुडी चाहिए, तो ये हुडी यहाँ लगे हुए थे, ये इनकी प्राइस थी 15 यूरो के आसपास। बैग्स में बहुत ज़्यादा वेराइटी नहीं थी, बैग्स काफ़ी कम रखे हुए थे, लेकिन हाँ बैग्स की भी रेंज बहुत ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ 10 यूरो के आसपास आपको बैग मिल जाते। सॉक्स में आप जैसे जैसे अब मैं सेक्शन में आगे बढ़ रहा था, तो सॉक्स यहाँ 3 यूरो के मिल रहे हैं, कहीं कहीं सॉक्स पेयर ऑफ सॉक्स 7 पेयर 5 यूरो में थे, कहीं 5 पेयर 5 यूरो में थे। और टी शर्ट्स की जो प्राइस है, टी शर्ट्स भी ये पॉलिस्टर जो टी शर्ट्स आते हैं जिम वगैरह के लिए आते हैं, ये सिर्फ 4 यूरो के थे, मतलब 300 रुपये के आसपास के टी शर्ट्स हैं ये सारी, और क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। 300 रुपये में टी शर्ट। उसके बाद ये जो बैग आता है आपका, वेस्ट बैग बोलते हैं शायद इसको, आपका जो भी आपका सामान रखना हो, इसके प्राइस भी 5 से 10 यूरो के आसपास ही थी। जो जैसा कि मैंने बताया, जिम के टी शर्ट्स और यहाँ बॉम्बर जैकेट आप देख सकते हो, बॉम्बर जैकेट की प्राइस 25 यूरो थी, मतलब 2000 रुपये में बॉम्बर जैकेट। काफ़ी अच्छी अच्छी बॉम्बर जैकेट्स यहाँ पर रखी हुई थी, लेकिन बॉम्बर जैकेट्स में ज़्यादा चॉइसेस नहीं थी, कम थी, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी बॉम्बर जैकेट्स भी वहाँ पर रखी हुई थी। उसके बाद जो ये ज़िपर है, ज़िपर में भी थी 12 यूरो के आसपास, मतलब 1000 रुपये के आसपास अगर आप INR में कन्वर्ट करें तो। ये वाला सेक्शन भी काफ़ी अच्छा लगा, और ये वाली जैकेट 2 या 3 रखी हुई थी बॉम्बर जैकेट, और इसकी प्राइस भी 25 यूरो से ज़्यादा नहीं होगी, मतलब सिर्फ 2000 रुपये में। उसके बाद सबसे ज़्यादा चौंकना मुझे इस जैकेट ने किया कि इस जैकेट की सिर्फ प्राइस 15 यूरो थी, मतलब 1000-1200 के बीच में ये वाली जैकेट आपको इस मार्केट में अवेलेबल थी, और ये हमेशा यही प्राइस होती है इसकी। ब्लैक जैकेट, इसकी प्राइस भी 25 यूरो है जो नीचे रखी हुई है, वो सेल में है, इन्होंने माल जो है निकालना होता है, इसलिए उसकी प्राइस 15 यूरो थी, इसकी 25 यूरो है। फिर डेनिम जैकेट है, फिर वापस अगर हम शूज़ के सेक्शन, जगह जगह इसके अंदर यहाँ लगे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो शूज़ लगे हुए हैं उनकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा होगी। जैसे कि हमने 5 यूरो वाला सेक्शन देखा था, 5 यूरो वाले सेक्शन में अलग शूज़ थे, यहाँ अलग शूज़ है, और ये स्नीकर्स की प्राइस 10 यूरो के अंदर ही होगी जो भी होगी, जैसे कि इसमें हम देखते हैं अगर, तो इसकी जो प्राइस है वो ये साइज़ दिखा रहा है, लेकिन इसमें अभी मैंने टैग देखूँ तो 8 यूरो, मतलब 8 यूरो काफ़ी ज़्यादा सस्ता है, 650 रुपये के में अगर आपको ऐसा स्नीकर मिल रहा है तो आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। फिर जीन्स के सेक्शन में जब आया, तो मैंने लास्ट टाइम जो जीन्स ली थी वो 20 यूरो की ली थी, वो ज़ारा से ली थी, लेकिन यहाँ जीन्स जो अवेलेबल थी, जो एक जीन्स का भी आप पूरा आगे सेक्शन देखोगे, वो जीन्स के सेक्शन में आपको 10 से 15 यूरो के आसपास भी जीन्स काफ़ी सारी अवेलेबल होगी। बैग जैसे कि मैंने बताया ज़्यादा है नहीं, ये भी 8 यूरो का है। उसके बाद ट्राउजर्स भी थी, और ट्राउजर्स की प्राइस भी 20 यूरो के अंदर ही थी, जैसे कि यहाँ पर 20 यूरो ही प्राइस, 19 यूरो। जैसा कि मैंने बताया, जीन्स का सेक्शन, ये सारी जीन्स जो है 15 यूरो की है, मतलब 1000-1200 रुपये में आपको जीन्स भी मिल जाएगी। फिर फॉर्मल शूज़ भी रखे हुए थे, फॉर्मल शूज़ का सेक्शन भी था 16 यूरो, मतलब ये 1000 रुपये में ये भी आपको फॉर्मल शूज़ भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग यू कि इंडिया से आपको ज़्यादा सामान आने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगर आपको ब्लेज़र चाहिए तो 40 यूरो का ब्लेज़र था, ये भी प्राइस ठीक है मेरे हिसाब से। फुल स्लीव्स शर्ट्स भी रखे हुए थे वहाँ पे, 40 यूरो मतलब 3000-3500 रुपये के आसपास। फिर पेयर ऑफ शॉर्ट्स भी थे, और पेयर ऑफ शॉर्ट्स की प्राइजेस, 2 पेयर ऑफ शॉर्ट्स थे इसमें, 11 यूरो था, 11 यूरो मतलब 800 रुपये के आसपास। फिर बाथरूम की प्राइस भी ज़्यादा नहीं थी, इसकी प्राइस जो अगर आप देखें तो 18 यूरो प्राइस थी, मतलब 1600 रुपये का ये बाथरूम था। उसके बाद जैसे मैंने सॉक्स का सेक्शन बताया था, ये रंग बिरंगे सॉक्स, अगर आप इंटरेस्टेड हो इसमें, तो इसकी प्राइस भी 5 यूरो की थी, 5 पेयर ऑफ सॉक्स। फिर ब्रीफ अंडर गारमेंट्स, इसकी प्राइस जो है 2 पेयर थे इसके अंदर, और 9 यूरो प्राइस थी। शूज़
की भी काफ़ी ज़्यादा वैराइटीज़ थी, आपको स्नीकर्स चाहिए तो स्नीकर्स भी अवेलेबल थे, उसके अलावा नॉर्मल शूज़ चाहिए तो वो भी अवेलेबल थे, स्पोर्ट्स शूज़ भी अवेलेबल थे, और इन सब की प्राइस 20 यूरो के अंदर थी। स्नीकर्स तो 5-5 यूरो के भी हैं, तो मतलब शूज़ में इतनी सारी वैराइटी मिल जाती है आपको। उसके बाद ये ज़्यादातर गर्मियों में आवाज़ घर के अंदर पहनते हैं। आई फॉरगॉट द नेम ऑफ इट, वेरी स्पेसिफिक नेम फॉर दिस थिंग, और इसकी जो प्राइस थी वो सिर्फ 3 यूरो, मतलब 200 रुपये के आसपास। ये ठंड जब ख़त्म होती है, हाँ जी, ये चीज़ जो है ये बेस्ट चीज़ लगी, सिर्फ 10 यूरो में आपको ये बूट्स अवेलेबल थे, मतलब 800 रुपये के ये बूट्स, बहुत ज़्यादा अच्छा था। 5 यूरो में आपको बेल्ट भी मिल रहा था, 400 रुपये के बेल्ट वगैरह भी यहाँ पर थे। फिर जैसे हमने शॉर्ट्स बताए थे, वहाँ 11 यूरो में 2 पेयर मिले थे, यहाँ 10 यूरो में ये 3 पेयर मिल रहे हैं आपको। तो ऐसे जैसे जैसे मैं आगे सेक्शन में बढ़ रहा था, चीज़ें बहुत अलग अलग आ रही थी। फिर थोड़ा ट्रैवल सेक्शन में गया था, अगर आप बिफोर ट्रैवलिंग अगर यहाँ विजिट करते तो ईयरफोन्स थे 10 यूरो के, 6 यूरो के हेडफोन्स भी थे, फिर लॉक भी था 2 यूरो का, मतलब 150 रुपये का। फिर उसके बाद चार्जर रोते हो तो चार्जर भी 1000 रुपये मिल जाएगा, 2 यूरो में आपको आई मास्क भी मिल जाएगा। फिर गर्ल्स सेक्शन में जब हम गए तो गर्ल्स सेक्शन में मोस्टली जो नीचे सेक्शन था वहाँ बैग्स रखे हुए थे, और बैग्स की प्राइस भी पर्पल कलर का बैग और सारे कलर, मोस्ट ऑफ द कलर के सारे बैग थे, और 800 रुपये, 10-15 यूरो के नीचे सारे बैग्स ये थे, अगर आप देख सकते हैं तो 10 यूरो मतलब 800 रुपये में ये सारे बैग हैं। अगर आप सरोजनी से कंपेयर कर रहे हो तो सरोजनी का कंपेयर कहीं हो ही नहीं सकता, सरोजनी से बेस्ट। अगर आप क्लोथिंग मार्केट में जाओ तो इसकी जो प्राइस थी ये भी शायद 10 यूरो का है, 3 यूरो का, 3 यूरो में ये स्कार्फ है, और 250 रुपये में ये वाला स्कार्फ, मतलब बढ़िया अच्छा सौदा है। उसके बाद वापस से बैग वाला सेक्शन अगर हम देखते हैं तो 14 यूरो का ये बैग है, मतलब कि 1000-1200 रुपये में अगर आपको ये बैग मिले तो आई थिंक इट्स अ गुड डील। उसके बाद बाकी सारे बहुत सारे बैग्स रखे हुए थे, ये नॉर्मल बैग है और इसकी प्राइस 10 यूरो है, मतलब 800 रुपये। ये काफ़ी बैग्स भी अवेलेबल होते हैं, इंडिया में भी मिलते हैं, लेकिन यहाँ इसकी प्राइस जो है वो थी 10 यूरो, मोस्ट ऑफ द बैग्स 10 यूरो में थे। फिर भाई वापस बॉय सेक्शन में आया, वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल थी, 3-3 यूरो में आपके ब्रेसलेट वगैरह थे, और गॉगल्स भी बहुत सारे रखे हुए थे। इन सारे गॉगल्स की प्राइस जो थी वो 2 यूरो थी, मतलब कि 180 रुपये के आसपास, 200 रुपये के अंदर अंदर सारे गॉगल्स रखे हुए थे। एक बहुत अच्छी चीज़ जो मुझे यहाँ लगी, द बेस्ट प्रोडक्ट विच आई गॉट हियर वॉज दिस बैग। अगर मैं आपको ये वाला बैग नहीं, इसके आगे वाला जो एक और बैग आएगा, ये वाले बैग की प्राइस भी ज़्यादा नहीं थी, आपको नॉर्मल चाहिए तो ये 7 यूरो का था। ये वाला बैग जो था ये मुझे बहुत अच्छा बैग लगा, और इसकी प्राइस भी ज़्यादा प्राइस नहीं थी, ये लेदर बैग था, और इसकी प्राइस अगर देखें तो इसकी प्राइस सिर्फ 9 यूरो थी, मतलब 700 रुपये में ये बैग था। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है उसके बीच में, और एक और जगह मैंने बताई है जो आपको न्यूयॉर्कर करके वहाँ पर और रुक गया था, तो न्यूयॉर्कर से और मैंने कुछ लिया था, शो भी आया था। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूयॉर्कर से मैंने क्या लिया है, बहुत ही सस्ता सामान लिया है, ये है फर जैकेट आती है ब्लैक कलर की है, तो वो जो मैंने लिए वो लिए है, कैन सी दिख रहा है, नहीं दिख रहा, 10 यूरो की थी, क्योंकि अभी विंटर धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, और आई वॉज थिंकिंग ऑफ गेटिंग समथिंग, लेकिन मैंने ऐसे ही जाना था, देखना था, पसंद आ गया, ले लिया। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ ये कैसी है, ये वो ब्लैक कलर की नॉर्मल फर वाली, और ये रही हमारी एक जैकेट। उसके अलावा जब दूसरी जगह मैं गया था, ये मोस्ट ऑफ द सिटीज़ में, लाइक जो मेट्रो सिटीज़ होती है, बर्लिन, म्यूनिशन, सब जगह आपको ये न्यूयॉर्कर और प्रीमार्क मिल जाएगा। मैं जहाँ गया था बिलस्टेड सेंटर था, वो बिलस्टेड सेंटर इस काइंड ऑफ मॉल, मॉल के अंदर गया था, ये दो शॉप मुझे दिखी जहाँ मैं गया था, ज़ारा H&M अगर आप जाते तो वहाँ भी आपको ठीक ठाक ही पड़ता है, बट वहाँ पर कुछ ज़्यादा एज़ कम्पेयर्ड टू दीज टू शॉप्स वहाँ थोड़ा महंगा हुआ। इसके अलावा आई गॉट दिस थिंग, दिस इज जस्ट द इनर, और इसकी जो प्राइस है वो है 5 यूरोस, जस्ट फॉर 5 यूरोस, मतलब सही है, कपड़ा अच्छा है। इसके अलावा और क्या लिया मैंने, और टोटल 25 यूरो का बिल जो था वो मेरा था न्यूयॉर्कर पे, और बाकी जो 10 यूरो का जो बिल था वहाँ मुझे एक जैकेट पसंद आई थी, वो था वहाँ पे, ये जैकेट ली है,
दिस वन मोटी है, अच्छी है। इसकी जो प्राइस है वो प्राइस है 20 यूरो। मतलब टोटल सामान जो आया हमारा कितने का है, 20 और 5 25 और 10 35 35 यूरो का हम सामान लेके आए। मजाक मजाक में घूमते फिरते अगर अच्छा लगा तो हमने उठा लिया था। 35 यूरोज़ का सामान मैंने ले लिया है और आपको दिखा दिया है कि कितना प्राइस होता है। भाई बात यह है कि इंडिया से भर भर के कपड़े मत लाना, मैं ये बोलना चाहूँगा। मैंने आपको सब बता दिया है, मुझे मेरा काम यही था। मतलब मैं ये वीडियो से ये बताना चाह रहा था आपको कि भाई यहाँ सस्ते सुंदर टिकाऊ भी अच्छे कपड़े मिलते हैं। तो ये थी मेरी जैकेट और ये थी मेरी शॉपिंग जो मैंने आज की है। ज़्यादा कुछ सामान लिया नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मैंने पूरा वीडियो आपको सारी चीज़ें बताई दी थी कि कितनी क्या चीज़ें यहाँ पर किस रेंज में मिलती है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और शेयर तो आप कर ही देते हो। मिलते हैं हम लोग अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड चाओ चाओ।